मटन कोरमा, तो देख लीजिए उसमें क्या क्या सामान यूज होता। मैंने ये 1.5 किलो गोश्त लिया है, ये 8 मीडियम साइज के प्याज हैं जिससे मैंने ब्राउन फ्राई कर लिया है, ये 250 ग्राम दही है, ये 3 मीडियम साइज के प्याज हैं जिसे मैंने कट कर लिया है, ये 5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, ये 2 टीस्पून नमक है, ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 5 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये खड़े गरम मसाले हैं जिसमें मैंने 2 तेज पत्ता, 10 काली मिर्ची, 8 लौंग, 4 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची और जावित्री का टुकड़ा लिया है। मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी, ये ऑयल डाल दूंगी। ऑयल के साथ मैंने देसी घी भी यूज किया, अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हो तो देसी घी में बनाइए, उसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। ये गर्म हो गया, मैं इसमें खड़े गर्म मसाले डाल देती हूँ। ये गोश्त डाल दूंगी, मिनट तक इसको ऐसे पकाएंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा पानी सूख जाए तब तक पकाएंगे। जब तक ये पानी सूख रहा है तब तक हम जो मैंने ये प्याज फ्राई की थी और जो ये कच्ची प्याज रखी हुई थी इसे इसका पेस्ट बना लेंगे, और ये दही है इसमें सारे मसाले मिक्स कर देंगे। ये सारे मिक्स करके रख देंगे तब तक ये मसाले फूल जाएंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसे अदरक लहसुन का पेस्ट जो भुनने तक पकाएंगे। अभी अदरक लहसुन की कसाई बहुत अच्छे से हो गई, खुशबू आने लगी। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। साथ में ये दही में जो मैंने मसाले मिक्स किए थे इनको भी ऐड कर दूंगी।
और ये नमक भी डाल देंगे। अब इसको इस तरह ही गलने तक पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं खुले में पका रही हूँ, कुकर में भी जल्दी गल जाता है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी गला नहीं है। देखिए कोरमा तकरीबन तैयार है और बोटी गल गई है। अब इसमें जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था, जो प्याज तल के रख ली थी, वो डाल देंगे। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। आप इसके ऊपर केवड़ा वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। ये तैयार हो गया है, अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए कोरमा तैयार है। देखिए कितना दानेदार कोरमा तैयार हुआ है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।